अलहमदल रब्लम वसलासलम वाला सैदिल्बियाई अल्लास सै दिन व मौलाना महमदम वाल आलि वस ही उबारक वसलम वसल दुनिया के तमाम देखने वालों को तमाम चाहने वालों को तमाम प्यार करने वालों को और जहाँ जहाँ तक इस वक्त मेरी आवाज़ को सुना और मुझे देखा जा रहा है जुनीद इकबाल की जानब से इंतहाई मोहब्बत के साथ असलम एक बार फिर नाजरीन आपको पुरूर शबनूर के साथ मैं दिल की अता गहराइयों से खुश आमदेद कहता तो हूँ और आइए बिला तो चलें हज़रत अबूअस मोहम्मद बरकत रहमा की तारीफ़ ऐसमा नबी करीम सलील्ह वसलम से रसूल सल्ह वसलम का मुबारक पढ़ने और सुनने की सदत हासिल करते हैं सैदुना साहिबी खुल की अज़ीम सलील वसलम हमारे सरदार आला अखलाक के मालिक दरुद्लाम विजयल्ला आपसलम पर आप सल्हली वसलम के आल पाक पर और साहबा कराम रिजवानल तजमुन पर नाजिन कराम अगर आप यानी तमाम इस वक्त दुनिया में जहाँ जहाँ मुझे सुन रहे हैं जहन्नम की आग से बचना चाहते हैं ना तो इन तीन कामों को ज़रूर इख्तियार कर कि क्या हजरत अब्दुल्ला अबिन मसूद रजी अल्लाव से रवायत है सरकार मदीना सल्ला वसम नेत फरमाया कि बे उस शख्स पर आग हराम कर दी गई जो नरम खु खुश अखलाक और नेक मजालस इख्तियार करता है अपने अंदर नरम खुई पैदा कीजिए खुश अखलाकी पैदा कीजिए और अच्छी मजालस को ज्वाइन कीजिए इन अल्लाह तबारक तौक जन्म किनार से दूर कर देगा आज बहुत ही लतीफ़ मौजू है आज सूर आल इमरान की एक सौ चौसठवीं आयत पर हम गुफ्तु करेंगे बिसम रहीम। बेशक अल्लाह ने मुसलमानों पर बड़ा एहसान फरमाया कि उनमें एक रसूल को भेजा बात यह नाज़रीन कराम इन शाला इसकी जो तफसीली निकात है उस पर गुफगु करेंगे लेकिन मैं कुछ अपनी तालब इलमाना राय आपके सामने रखना चाहता हूँ देखिए इंसान की जो किरदार है ना उस किरदार को अगर आप हिस्सों में तकसीम करें तो एक हिस्सा वो बनता है कि जहाँ किरदार की बुलंदी ये नज़र आती है कि जब इंसान किसी एहसान करने वाले का एहसान माने बिला तमसील अर्श कर रहा हूँ एक शख्स किसी शख्स पर एहसान करता है और जिस पर एहसान किया गया अगर वो अपने मौसम के सामने खड़े होकर सर को झुकाए तो इसका मतलब ये हुआ कि यह बारदार शख्स है लेकिन अगर वह एहसान को फरामोश कर दे और यह कह सब कि तुमने तो मुझ पर कोई एहसान किया नहीं जो कुछ है ये सब मेरी एबिलिटीज़ की वजह से मेरी सलाइयों की वजह से तो फिर तुफ है ऐसे शख्स के ऊपर कि जिसने ये समझा ही नहीं बुनियादी तौर पर कि मोशन का हक हाँ बुनियादी तौर पर क्या होता है अब आइए जरा बिला अर्ज कर रहा था अब आइए जरा खाली के कायनात की बारगाह में चलते हैं अल्लाह तबारक ताली ने हम पर बेशुमार एहसान किए बेशुम एहसानात किए जिसको हम गिन ही नहीं सकते नाजरीन यानी वो रहमान व रहीम वह करीम वह इतना अजीमरत रब है नाजरीन कि जिसके एहसानात को इंसान अगर शुमार करना चाहे ना तो शुमार करना उसके लिए नामुमकिन है नामुमकिन है कि अल्लाह की

वाली पर एक दूसरे को चीरने वाला था। दौड़ाने पर लड़ाइया कर था और सदियों तक नस्लों की नस्लें आपस में एक दूसरे से बहम दस्त गेबा हुआ करती थी सरकार मदीना सदका है इंसान को

फान मिला किसके सदके मिला सरकार मदीना वाली वसलम के सदक़े मिला वो सरकार नाजरन ना जो इस कायन में ज़ाहरी तौर पर तशरीफ़ लाते हैं तो रब हबली उम्मती रब हबली उम्मती रब हबली उम्मती की सदाओं को अपने लबों पर जारी करते हैं वो सरकार जो इस दुनिया से ज़ाहरी तौर पर पर्दा पर पर फरमाते हैं तो उम्म की फ़िक्र में लबाह मुबारक सिर्फ़ उम्मत की बख्शिश के लिए जुम्बे कर रहे हैं वो सरकार मदी सलील वहींसलम जो कल बरोज़ मशर तशरीफ़ लाएंगे तो लवाल हम तो आपके दस्ते मुबारक में होगा लेकिन शफात की पूरी अथॉरिटी सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वाली सल्लाम के दस्ते मुबारक में होगी इस मौजू पर आने से पहले कि अल्लाह ताला की तरफ से कितना बड़ा एहसान है अजीम सरकार की ज़ारस हमें ले चलें साहब उस दुआ की तरफ कि सईदना इब्राहिम एक दुआ फर मारें और जाहिर है यह भी कुदरत का एक निज़ाम है के नूर महम्मदली वसलम की तशरीफ़ आवरी होनी थी और दुआ जो है वो उसका एक सबब बनना थी तो सूर्य बकर की आयत नंबर एक सौ उनतीस मुर्खाल वहाँ से आगाज़ फ़रमाइए। तबारक फ़रमाई बिस्मिल्लमर क़ाल तबारकव आला फ़िलकलामीदल फ़ुरक़ान हमीदनाब

तन्हा दुआ की और हज़रत ने आमीन कहा एक नबी दुआ कर रहा है और दूसरा नबी आमीन कह रहा है आए, आए, आए। तो अर्ज़ की ए हमारे रब भेज दे इन में अपना रसूल जो इन्हीं में से हो वो तेरी आयतें इन पर तिलावत करे और इनको किताब सिखाए और हकमत सिखाए और इनके दिलों का तजकिया कर दे बेशक तू ही गालिब है हिकमत वाला है अल्लाह ये असल में हज़रत सैदना इब्राहीम खलील सलातुलाम की वो दुआ है जो आपने कायनत अर्जी के अंदर एक सबसे बलंद तरीन मकाम जो कि हज़रत सदना आदमत असलम की अल्तजा पे ताला ने बैतुल मामूर फरिश्तों के काबा के एन नीचे बैतुल्ला बनाया और तूफ़ान नूह में उसको महव कर दिया गया हज़रत नू अल्लाम से लेकर अब तक जो है वो दुनिया की निगाहों से छुपा हुआ था और निगाह इब्राहिम थी जिसने उसको तलाश कर लिया अल्लाह अब एक दफ़ा निगाह उठी है तो अल्लाह का घर तलाश कर लिया और फिर निगाह उठती है तो अल्लाह के हबीब को लाने की दुआ कर रहे आपने अर्ज़ किया या मैंने नबुअत के एक अजीम मनसब पर फाइज होने के बावजूद एक म्यांमार का काम किया है बैतुल्ला की दीवारें बनाईं और मेरा बेटा भी शान नबूत का मुतसब है लेकिन वो मज़दूर बन के काम कर रहा है अब इतने हाई लेवल का बंदा और ये हम काम किसी से करवा सकते थे लेकिन उस काम की अज़मत जो हमने सर अंजाम दे दिया है अब इसकी मजदूरी देना तो तेरा हक है जब ये तेरा घर है तो हमने बनाया तो इसकी मज़दूरी हमें क्या चाहिए या अल्लाह पहले तो हमारी तरफ से शरफ़ कबूलियत अता फरमा और जब कबूल कर लिया है तो फिर मुझे मेरी इस दुआ को शर्फ कबूलियत अता करके जिन लोगों के दरमियान हमने बैतल्ला बना दिया है इन्हीं में अपना शान वाला रसूल अल्लाह वो शान वाले रसूल रसूल तनवीन जो है ये तकरीम के लिए है यानी रसूल तो हर एक शान वाला है लेकिन ये वो है जो शानों में से भी शान वाले तो या अल्लाह इनके दरमियान अपना हबीब भेज दे और यह दुआ अल्लाह तला ने ऐसी कबूलियत पे रखी कि अगरचे इसकी कबूलियत का इजहार तो सदियों बाद हुआ है लेकिन शर्फ कबूलियत तब से हो गया उसकी तस्दीक मेरे आका करीम इस्लाम ने खुद फरमा दी अना दावा तो अभी इब्राहिम मेरे बाप की कोई भी दुआ रायगा नहीं गई अगर खुदा का हबीब मांगा है तो वो भी उनकी दुआ मैं अपने बाप की दुआ इब्राहिम की दुआ बन के आया वह बशारत ईसा और ईसालाम की बशारत बन के आया बरु उम्मी मैं अपनी माँ का वो खाब हाँ बन के आया हूं अल्लाह की राहत जो आपने देखा था एक नूर की सूरत में और जब विलादत के वक़्त वो चमका है तो अदात लहू कसूर शाम, शाम के शाम के महल्ला जगह तो हजूरतलाम का ये फरमाना यूं समझ लें मुस्तफ़ा बजबान मुस्तफ़ा और अच्छा। उस वक्त के जो मनाजिर थे वो भी हजूर खुद कर रहे हैं कोई बाद में आके अगर हाशिया रही करे तो वो एक तरफ रही लेकिन मैं खुद बताता हूं कि जब मेरी विलादत हुई है तो उस वक्त लंगर जो है वो मुल्क शाम तक पहुंचा और कैसे इस पे मैं एक लतीफ नुक्ता पेश करना चाहूंगा और वो ये है और ये मैंने नहीं मेरी को अपनी नहीं है बल्कि ये मैंने पढ़ा है मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब उनके बेटे की किताब जो अब्दुल्ला था उनके बेटे की किताब है मुख्तसर रसूल उसके अंदर उन्होंने इस चीज को वाजे किया है और वो कहते हैं कि हजूराम की विलादत हुई तो सिर्फ मुल्क शाम के महल्ला क्यों जगह दरमियान में और भी इलाके थे किसी और का जिक्र क्यों नहीं किया तो कहते हैं असल में वजह यह थी के मुल्के शाम जो था ये अंबिया का मरकज था आ। और फिर जब वहां पर मौजूद है उस जमाने में ये तो उन्होंने कहा कि यह बता दिया कि ये मुल्के शाम के महला जगमगा रहे हैं वक्त आएगा जिनकी विलादत पे ये जगमगा रहे हैं ये उन्हीं के सिरे नगी हो जाए। क्या कहने सुबह इस तरह तो इस्लाम ने कुमे मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अल्लाम पानी और मट्टी में थे तो नबी आदमी जब रूह और दरमियान थे और अगले दो तीन जुमलों की थोड़ी -थोड़ी मैं वजाहत करना जो हजरत इब्राहीम ने कहा कि तेरी पढ़ के सुनाए इसका मतलब है कि नबी को पता है कि हजूर को अल्लाह ने कुरान अजरत इब्राहिम जानते हैं कि कुरान भी अता होगा और फिर करेंगे क्या ये आयतें पढ़कर वही किताब इनको अपने उम्मतियों को किताब और देंगे और ये ये बहुत बड़ी बात की तरफ आपने वजाहत दे दे दी ये ना कि कि समझे का उन्हीं तक तक है जिन तक दे दिया आगे नहीं नहीं जा सकता उनको पढ़ाएं नहीं उनको पढ़ाएं बल्कि सिखाएं अल्लाह तेरी किताब इनको सिखा तो वो खुद होते रहेंगे महबूब आपकी निगाहेगी बिल्कुल अब आइए साहब लिए चलें हमें जो मतलब आज का कोर टॉपिक है और ये कोर टॉपिक ऐसा है कि इस पर मतलब जब भी मैं यकीन इन आयात को पढ़ता हूँ तो आ, सर झुक जाता है कि इतना बड़ा एहसान अजीम है अल्लाह का लेकिन हम कितने मतलब एहसान फरामोश किस्म के लोग हैं सूर्य बकरा आयत नंबर एक सौ इक्यावन और फिर सूर्य आल इमरान आयत नंबर एक सौ चौंसठ अल्लाह तला ने जो ताजदार कायनत की सूरत में अपना एहसान जतलाया और फिर ज़ाहिर उसकी वजूहत भी बतलाई हैं अल्लाह तक इस पर ज़रा गुफ्तु बसमिल्ला वसलाम असूल जुनेद भाई दोनों आयतों का मौजू एक ही है लफ्ज़ों में थोड़ा सा फ़र्क है सूरत बकरा की आयत नंबर एक सौ इक्यावन में फरमाया कमा अरसनाफ़ी कम रसूलम मिन कम यतल कम आयातिन वक्की कम वालमुमकुम्लिताबालिकमत वमकुम मालम तकून तम और सूरत आल इमरान की आयत नंबर एक सौ चौंसठ में फरमाया फ़रमाया लखत मन लाद बासफ़ी रसूल मिनफ़ीम इसका इब्तदा इब्तदाया फरमाया कि अल्लाह ने तुम पर एहसान फरमाया इसमें क़ुरान मजीद में जहाँ मन्ना के लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ तो मन्ना का लफ्ज़ है मन्ना यमुनु का मतलब है एहसान करना अल्लाह ताला ने कहीं भाइयों को मिलाया तो उन पर एहसान फरमाया कहीं कौमों को नमतें अता फ़रमाई तो उन पर एहसान फरमाया लेकिन दुनिया की जब सबसे बड़ी नमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में अता फरमाई तो फिर इसको भी एहसान में इमाम बुखारी, रहमत बुखारी शरीफ में इसका जिक्र करते हैं कि न्या मुराद फरमाया न से मुराद मोहम्मद तो इस कायन की जो सबसे बड़ी नरमत है जब उनका जहूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह ताला ने इस दुनिया में फरमाया तो ईमान वालों से फरमाया कि मैंने ईमान वालों पर एहसान हाय हाय। वो एहसान क्या है कि मैंने उन्हें अपना महबूब दे दिया अल्लाह उनके साथ मोहब्बत की कैफियत ये रखी कि किसी को भाइयों को मिलाकर कर एहसान किया और इनके साथ एहसान ये हुआ कि जो मेरी सबसे खास शह थी वो मैंने अता इसको मुला कारी ने इस तरह बयान किया कि इस पूरी कायनत में रब की नमतों में जो अल्लाह की तख्लीकारी का सबसे आला मज़हर है वो मोहम्मद वह जब उम्मत को अता फरमाए तो फरमाया मैंने तुम पर ईमान वालों एहसान फरमाया और आपके ज़िम्मा करम पर जो अल्लाह ताला ने नेमेदारियाँ इनायत फरमाई वो क्या थी फरमाया सबसे पहले ये हमारी आयात की तिलावत करने वाले होंगे ये मोमिन का उसूल और जाबिता है कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात को अपने अंदर पैदा करना चाहते हैं तो कुरान मजीद की तिलावत करनी पड़ेगी और आप जनाब भाईजान इसके ऊपर देखें कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत फरमा रहे हो तो क्या मंजर होगा अल्लाह सुभान जब नि शाह ने के सामने हजरत जाफर तैयार ने कुरान मजीद पढ़ा तो आंखों से आंसू बहने लगे जी हां सही और फिर उसने सत्तर बंदों का वफद भेजा जी

तो अल्लाह ताला उन क्या ऐसी मोहब्बत वाली खूबसूरत तुमने कभी तिलावत सुनी आए 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 तो वहां क्या लुत्फ होगा तो यह वसूल का है कि हमारी आयात की तिलावत करने वाले होंगे दूसरे नंबर पर फरमाया साफ कर दिया कि अभी आपने इंट्रो में बताया कि सालों दुश्मनी रही है? मदीना तुल मुनवरा में जा के जो भाई बनाया तो वो नफ साफ कर दिए बिल्कुल ऐसे। दुश्मनी और कुदूरतें खत्म कर दी बिल्कुल नफरतें खत्म कर दी किन और बोस खत्म कर दिया और जुनेद भाई यहां काबिल गौर बात है ये जो कीनो का खत्म होना है ना ये जन्नती सिफत है जब बंदे जन्नत में जाएंगे कीने खत्म कर देगा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका एक मजहर दिखाया कि जब मैं यहाँ दुनिया में आया ना तो मैंने अनसार और मुहाजिर को मिला के कीने खत्म कर तो कोई 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 जो है झगड़ा वगैरह कुछ भी नहीं होगा है तो। तीसरे नंबर पर फरमाया फिर वो कुर मजीद की तालीम देने वाले होंगे खुद भी कुरान पढ़ते होंगे और तालीम भी देते होंगे चौथे नंबर पर फरमा वो हकमत सिखाते होंगे और पांचवें नंबर पर ये इतना बड़ा जुमला है फरमाया वो तुम्हें वो देते होंगे जो तुम नहीं जानते मेरे तरीकत ने इसके एक शेर लिखा है फरमायाब इतहा नगीने न मजमून इमाम शरफुद्दीन बोसी ने इसके ऊपर एक शेर लिखा है वो बड़ा जरूरी है फाकन नबी जी नफी खलूकिन मेरे हबीब्मा ने सारी मखलुक पे आपको बुलंद और बाला कर दिया वलम युदान फी इल्मिन वला और आपके करम और इल्म में आपका मुद्दे सुबह 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 अब सब लोगों को लिए चलें, सुनने वालों को कुछ भी कर लिया है दर मुस्तफ़ा से ये मान है कि हम बख्शे जाएंगे इनशा वलोल जाऊ का तो ये जो ये जो ये जो है ना कि गुनाहार हैं सियाकार है बदकार हैं कुछ भी हैं है तो सरकार आपकी

इसमें अल्लाह पाक ने पहले तो बता दिया कि हुजूर हज़ूराम की जाते वाला तबार के अलावा भी जितने अम्बियात है उनको इसलिए भेजा गया है कि हर उम्मत उनको देख कर अपनी ज़िंदगी का रोड मैप सेट करें ठीक उनकी ज़िंदगी से अपने लिए आखिरत का हिस्सा हासिल करें अब हुजूर की आमद की बात थी तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि ऐसे नहीं आए और आके चले गए बल्कि उनका तुम्हारे दरमियान भेजने का एक मनशा खुदाबंदी है आहा। और वो क्या है फिर मैं मुझे पता तुम इंसान हो तुम गुनागार हो अल इंसान हो मुक्ा बन तुम नसीआन से बने हो भूल जाते हो ग़लती कमी कुताही तुम्हारे पास हो जाती है और तुमने मुझे रहमान रहीम पाया लेकिन कभी कभी तुम्हारे जराइम ऐसे भी हो जाएं जिनसे छुटकारा मुमकिन ना हो जिनकी मुआफ़ी मुमकिन ना हो तो फिर उसके लिए भी हम तुम्हें एक रास्ता दे रहे हैं और वो रास्ता ये है कि आओ दर मुस्तफ़ा अल्लाह यहाँ आ जाओ यहाँ तुम्हारी हाजिरी होगी और मेरे महबूब तो हैं ही सत्तर माओ से बढ़ के अपनी उम्मत से प्यार करने वाले की जब अल्लाह ताला ने मुस्लिम शरीफ की हदीस के मुताबिक सरकार फरमाते मुझे तीन दुआओं का हुक्म दिया तो मैंने हर बार यही मांगी अल्लाह उम्म फिर ले उम्मत या आई आई मेरी उम्मत की और फिर मैं तीसरी भी रोक के रखी कयामत को मांगूंगा और उस दुआ में शामिल होने के लिए हजरत सदना इब्राहिम स्लम भी रगबत रखेंगे और उनका जिक्र क्यों किया मैं आया ही उन्हीं की दुआ बन के जब मैं उनकी दुआ हूँ तो वो मेरी दुआ में शामिल होने के की तो इसीलिए फरमाया कि हमने वो तुम्हें शान वाले हबीब कर दिए हैं कि जिनका तुम्हारे लिए इस कदर मेहरबान होना इस कदर तुम पर मुशफिक होना और तुम्हारे लिए हमारे हुजूर मुआफी का हरीस होना वो इस बात का मजहर है कि आओ मेरे मुस्तफ़ा के दर पे एक दफा वो कह दें एक दफा वो कह दें वस्तर रसूल है। मेरे हैं के बाद भी यह सिलसिला क्यामत तक जारी रहेगा रहे और उस सिलसिला में हजरत सैद अबू अबाबा रजी का वो वाक बड़ा मशहूर है जो बनजा के उस गजबा के मौका पर आपने का और फिर खुद को पशेमान हुए और अपने आप को ला के एक सतून के साथ बांध दिया मस्जिद नबी के और वहां पर जब बांध दिया सात दिन तक बंदे रह के हजूर खोलेंगे तो मैं फिर खुलूंगा वरना नहीं वो हाजत के टाइम पे एक शख्स की ड्यूटी थी वो खोल देते और फिर वो जो नमाज के टाइम पे खोल देते फिर बांध दिया जाता फिर जब सातवा दिन हुआ तो हजूर आई ने उनके लिए माफी कहा इजनता किया अच्छा भाई सर आखिर में सूर्य आज़ाद आयत नंबर पैंतालीस छियालीस इसी तरह से अगर सूर सभा की तरफ़ देखें तो आयत नंबर अट्ठाईस और सूर फातिर की तरफ देखें तो आयत नंबर चौबीस जिसका कमो बेश महफूम अगर मोरलेस में कहूँ तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम को जहाँ खुशखबरी सुनाने वाला बनाकर भेजा वहाँ डर सुनाने वाला भी बनाकर भेजा इस पर ज़रूर गफ्तु कीजिए और ये बड़ा खूबसूरत एक समझिए कि मफूम और मंजर है बताइए जुनेद भाई सूरत अहजाब की आयत नंबर चवालीस और पैंतालीस का तर्जुमा मैं अर्ज़ करता हूँ आयत पढ़ के या नबी और शाहिदाऊँ व मुबशरों व नज़ीरा वाइन अजन ही व सरा जम मुनरा ए नबी सब को भेजा हाजिर व नाजिर बना कर खुशखबरियाँ सुनानाने वाला बनाकर और डर सुनाने वाला बनाकर और अल्लाह के इज़न और उसकी इजाज़त से अल्लाह की तरफ दावत देने वाला बनाकर भेजा और हमने आपको चमकता हुआ चांद और सूरज बना क्या कहें कह ये अल्लाह ताला ने इसमें ऐसी खूबसूरत क्वालिटीयां बना दी हैं कि हुजूर अलैहि वसल्लम की तारीफ़ लोग क्यामत की सुबह तक करते रहे दूसरी आयत में फरमाया फरमाया ये सूरत सबा की आयत नंबर अट्ठाईस है वमा और का का फतनासिब बशीर न इसमें वसल्लम की नबूवत पूरी कायनात के लिए ऐलान फरमा दिया भेजे तो उनको इलाकों बस्तियों और मुल्कों के लिए नबी बनाया। और मैंने हबीब आपको सारी कायनात के लिए नबी बनाने के लिए खित्ते के लिए नहीं हर इंसान यहाँ तक हमारे कहते हैं कि जहा जहां तक रबूबियत अल्लाह की है वहां वहां तक नबीम की सुबह और फिर सूरत फातिर की

जो माना भी ग़लत किया जाता है नबी वसल्लम के लिए भी और अल्लाह ताला के लिए भी. अच्छा हाज़िर और नाजिर का माना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये है कि हाज़िर ब ही, नाजिर बसर ही अच्छा। आप अलैहि वसल्लम अपने रोज़ा शरीफ़ में मौजूद हैं आपकी रूहानियत सारी कायनात में फैली हुई है okay. और आपके सामने सारी कायनात ऐसे हथेली की मानद है जिसको जब चाहते हैं मुलाजा यानी जसत फरमान पाक में मौजूद मुझ। है रूह जो है मतलब पूरी कायनात पर जो है वो हाजिर है ठीक है जी और नाजिर से मुरादी है कि आप अपनी निगाहों से देख रहे हैं मंजर जब जिसको चाहते हैं मुलाजा फरमान मुलाजा फरमान इसका कथी ये मतलब नहीं है कि हाजिर का मतलब है हुजूर का अपने वजूद के साथ हर जगह पाया जाना ये हाजिर का कति माना नहीं है मैंने तो बास जगहों पर देखा है लोगों ने मसंदे लगा के रखी होती है कि इस जगह पे नहीं बैठना इस पे हजूर पाकिम इसका मतलब है कि हजूर पाकिस्लम आपके हुक्म के ताबे आप किसी के हुक्म के ताबे नहीं हैं आप जहां शफकत फरमाए वहां तो शरीफ ले जाते हैं और किसी को मजबूर नहीं है कोई मजबूर नहीं है इसमें वो ये कहे कि इस जगह पे हजूर आके तो शरीफ फरमाते हैं अच्छा उससे, उससे मुराद ये है कि नबी सीमत के अहवाल के मामले में उम्मत की जानों से भी ज्यादा करीब है ठीक है इसमें भी ये जो आपने अपी शायद की ना हरी सुना बिलमोमिन ये भी साद मुस्तला कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दुनिया से तशरीफ लेगे फिर ईमान वालों की तकलीफ से कैसे बाखबर है इसलिए कि ईमान वालों की जानों से ज्यादा करीब ओके है। आपने मिजार शरीफ में अल्लाह ताला ने मैं इसकी एक दुनिया भी मिसाल दे देता हूँ जो सर्वर लगा हुआ है ना वो अपने तमाम आगे जितने भी उसके सिस्टम है उनकी हर एक एक शय से बाखबर है तो ये लोगों की बनाई हुई शहर है और ये के सर्वर हमारे आ, आ, के हर मोमिन हर बंदे के दिल के अंदर आने वाले हर ख्याल से हर वक्त बाखबर रहते हैं ये अल्लाह ताला ने आपको शान अता वा, लिए वा, लिए। बिला तमसील इंसान का बनाया हुआ सर्वर जो है वो जब कनेक्टेड रखता है तो जो सर्वर कायनात है उनकी कनेक्टिविटी क्या होगी वसल्लम के हाज़िर नाजिर होने के बाद अल्लाह ताला के हाज़िर नाजिर होने का माना भी आवाम को समझ आना चाहिए वो भी ये नहीं है जो लोग लेते हैं अल्लाह ताला के हाज़िर नाजिर होने का माना यह है कि अल्लाह ताला ने अपने इल्म अजली से सारी कायनात को अपने लिपट में ले रखा है और वो अजल ही से हर शह के बारे में जानने आए, जाननाए तो शाहिदन आप हाज़िर नाजिर हैं मुबशिरन खुशखबरियाँ सुनाने वाले हर नज़ीरन और डर सुनाने वाले इसमें उम्मत के लिए जो खूबसूरत पहलू है कि नबी आई इस्लाम जब दुनिया में आते हैं तो पहले लोगों को रब की तरफ खुशखबरियां सुना के बुलाती है हाँ। और जब कौम खुशियों से आ जाती है तो खुशखबरियां रहती हैं और जब कौम के ऐसे अफराद होते हैं जो खुशखबरी से नहीं मानते फिर उनको कहा जाता है कि जहन्नम भी बनी हुई हाँ। है हाँ। है फिर उनको कहा जाता अल्लाह जब्बारो का हार भी है फिर उनको कहा जाता है कि अल्लाह ताला अजाब देने वाला हाँ। भी है या तजर की सिफात भी बताई जाती है कि वो सजाएं देते आए देते हुए गूंट गूंट करता अच्छा यही लोग एतराज करते हैं कि भाई डराने वाले डर देने वाले

कि जब आप पैदा हुए तो रोशनी आ रही थी अंधेरा जा रहा था अल्लाह तो आपके आने की आमद का जो वक्त मुतन किया गया उसका उसकी वजह बनी कि कोफर का अंधेरा चला गया और हुजूर की रोशनी और क्या खूबसूरत वो वक्त मुतयन हुआ है ना वो रात है ना वो दिन है।, है और जुलमत का अंधेरा जो है वो छट रहा है आपकी और ना रात ने अपने लिए हिस्से की कमी का सवाल किया ना दिन ने किया

सरकार मदीना सल्ला वसलम की नज़र इनायत भी हमें नसीब फरमा देना और अल्लाह ताला से बस ये दुआ है कि ताला उनकी शफात हम सबको नसीब फरमा दें वर आमाल तो हमारे इस काबिल नहीं है साहब कि हम अल्लाह की बारगाह में खड़े हो सकें किताब शफ़ा सूर बकर की आयात की फजीलत आपको बतलाते हैं फरमान रसूल सल्हल वसम जिस घर में सूर्य बकरा की आयत यानी आखिरी दो आयात की तिलावत की जाएगी वह घर हर कस्म की शैतानी हमलों और ज़मीन व आसमान की आफात तो व बल्द्यात से बच जाता है बल्कि मैं तो सजेस्ट ये करूँगा कि आप ये वैसे तो कुरान पाक की तिलावत तो डेली सुबह जो है घर में होनी चाहिए और सबको पढ़ना चाहिए लेकिन सूर्य बकरा का मामूल बना लीजिए घर में सूर्य बकरा की तिलावत करनी है, करनी इनशा बहुत करम होगा हज़रत अली करमलाजुल करीम का कौल मुबारक है कि अखलाक की दुरुस्तगी इसी में है कि इंसान दूसरे के ऐब ढूंढने की बजाय आए हाय दूसरे के ऐब ढूंढने की बजाय इधर उधर लगे रहते हैं ना पर दूसरे के ऐब ढूंढने की बजाय अपने आमाल पर नज़र रखे